छात्रों, आप पिछले क्लास में मात्राओं के बारे में जान लिए हैं ना। आज क्या करेंगे? दूसरा लेसन के बारे में पढ़ाई करेंगे। वो क्या है? द्वित व्यंजन और संयुक्त अक्षर। आज के क्लास में हम क्या करेंगे? ओनली एक के बारे में पढ़ाई करेंगे। वो क्या है? द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन, व्यंजन का मतलब क्या है? क से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर आते हैं ना, क ग ग ग ग च च ज ज न ये से ल तक जो अक्षर आते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन अक्षर बोलते हैं ना। स्वर कैसे कहते हैं? अ से आहा तक लेकर जो अक्षर आते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन कहाँ से बोलते हैं? क से जो ळ तक अक्षर आते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। है ना बच्चों, आप सभी ऑलरेडी केजी सेक्शन से ये पढ़ाई करते आ रहे हैं। तो आप पिछले क्लास में मात्राएं के बारे में जान लिए, वैसे ही आज क्या करेंगे? नए सब्जेक्ट के बारे में, नए विचार के बारे में जाने को क्या है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या है? जो व्यंजन रहता है ना, द्वित्व व्यंजन लास्ट में क्या है? व्यंजन। दो सेम व्यंजन अक्षर मिलकर जो अक्षर बनता है ना, उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। मालूम हुआ बच्चों? जो सेम सही व्यंजन रहते हैं ना, व्यंजन अक्षर, अभी इसका मतलब है क क इस ऐसे किए तो ये क्या हुआ? व्यंजन अक्षर। इसे क मिला के क्या हुआ? ये ख। इसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। कन्नड़ में प्रत्यक्षर बोलते हैं ना, आप पढ़े हैं ना ऑलरेडी प्रत्यक्षर। फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े हैं ना, पढ़े ना बच्चों? सेकंड स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, आप अभी थर्ड स्टैंडर्ड में। प्रत्यक्षर को कन्नड़ में बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? द्वित्व व्यंजन। चलिए पढ़िए और समझिए, रीड एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी देखिए इधर कई सारे एग्जांपल्स दिए आपके टेक्स्ट बुक में, उसे क्या किया है मैंने इधर बोर्ड पर ड्रॉ करके लिखा है। सभी नहीं लिख सकती, लेकिन थोड़े से लिखी हूँ और थोड़े से ड्रॉ किए हैं और उसके बारे में आज आपको बताने वाली। अभी देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम द्वित्व व्यंजन के बारे में जान लेंगे। अभी देखिए च, अभी आप बारह खड़ी ऑलरेडी पढ़े हैं। ये च व्यंजन अक्षर होता है, उसके साथ अ से क्या होता है? वो पूर्ण अक्षर च बनता है। वैसे ही क संयुक्त अक्षर बनता है, उसे अ मिला के पूर्ण अक्षर क होता है। है ना बच्चों? इसी तरह अब क्या करना है? च च मिला के क्या होता है? च प्रत्यक्षर बनो, सजातीय प्रत्यक्षर बनो, विजातीय प्रत्यक्षर बनो। आप पढ़े हैं ना कन्नड़ा में, ऐसे ही हिंदी में क्या आता है? द्वित्व और संयुक्त अक्षर ऐसा आता है। द्वित्व का मतलब और उनका नाम क्या होता है? सजाती और तक्षर। अब देखिए च च मिलाकर च हुआ, ऐसे हम कैसे वर्ड को फॉर्मेशन कर सकते हैं, शब्द रचना कर सकते हैं? जैसे कि बच्चा, बच्चा बच्चा आता है ना, बच्चा का मतलब क्या है? जो घर में जो छोटा बच्चा रहता है उसे बेबी, उसे क्या कहते हैं? बच्चा। अभी देखिए पच्चीस, पच्चीस का मतलब क्या है? 25। इधर भी हम ये वर्ड यूज किए ना, ऐसे वर्ड यूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? द्वित्व का यूज करना चाहिए। अभी देखिए क प्लस क ख हुआ, उसका हम क्या कैसे वर्ड में यूज करेंगे? ढक्कन, ढक्कन इधर यूज किए हैं ना, ये देखिए। वैसे ही शक्कर, शक्कर, शक्कर का मतलब क्या है? शक्कर है। ढक्कन का मतलब क्या है? मुच्छड़ा। वैसे ही यहाँ देखिए ड का भी ऐसे ही क से लेकर ड तक सभी अक्षरों को हम क्या कर सकते हैं? द्वित्व और संयुक्त अक्षर दोनों बना सकते हैं, लेकिन इधर थोड़े कम दिए हैं। आप सभी को क्या करना है घर में, और द्वित्व और संयुक्त अक्षर आप ही वो जो अर्थ रहते हैं वैसे अक्षरों को आप क्या करना है? शब्दों को लिखना चाहिए। आपके
हड्डी बोलते हैं, हड्डी बोले तो हमारे शरीर में रहते हैं बोन, उसे क्या बोलते हैं हड्डी। हड्डी का उच्चारण के लिए हमें दबित व्यंजन का उपयोग किए हैं, जैसे कि लड्डू, लड्डू यहाँ ड देखो है ना, अत्यक्षर बोलते हैं ना, इसे हिंदी में दबित बोलते हैं। लड्डू का मतलब क्या है, लड्डू आप जो खाते हैं ना लड्डू, जो फेस्टिवल में बनाते हैं उस वही क्या बोलते हैं, लड्डू बोलते हैं। इंग्लिश में भी लड्डू बोलते हैं और हिंदी में भी लड्डू बोलते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या करना चाहिए, प्रयोग करने के लिए, हम रचना करने के लिए हमें द्वित्व और संयुक्त अक्षर का हम इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम क्या कर रहे हैं आज, द्वित्व व्यंजन। ऐसे ही देखो द्वित के बारे में और एक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। न न न वैसे पन्नर, पन्नर का मतलब क्या है, स्टिक, हाउ, अन्न, फूड ग्रेन, आप जो खाते हैं ना फल फूड और जो क्या क्या खाते हैं ना उसे क्या। देखिए बच्चों ये न से क्या उच्चारण होता है, पन्नर, अन्न, गन्ना, इसके बारे में हम ऑलरेडी जान लिए ना। गन्ना का मतलब क्या है, शुगर केन। वैसे ट, ट का मतलब कैसे उच्चारण होता है, पट्टा, पट्टा का मतलब है बैंडेज लगाते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, पट्टा, पट्टा और पट्टी, पट्टी बोलते हैं ना जो पट्टी लगाते हैं आपका उसे क्या बोलते हैं, बैंडेज। लट्टू, लट्टू का मतलब टॉप, बकरी बोलते हैं ना खेलते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी का मतलब है क्ले, आप जो खेलते हैं मिट्टी में उसे क्या बोलते हैं क्ले। वैसे ही स अक्षर से, स द्वित्व व्यंजन से कौन कौन से उच्चारण होते हैं, रस्सी, हिस्सा, अस्सी, ठीक है। रस्सी का मतलब क्या है, रो, हिस्सा का मतलब शेयर, शेयर करना, या आप जो लाते हैं आप दोपहर में खाने को बैठते हैं जब आप क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, हिस्सा करना, हिस्सा करना। अस्सी, अस्सी का मतलब क्या है, एटी, एटी बोलते हैं ना, एट जीरो। वैसे वैसे ही कई सारे शब्द में उसे क्या करना चाहिए, हमें द्वित्व व्यंजन का उपयोग करना चाहिए। सजातीय वर्तक्षर बोलते हैं। ऐसे ही देखो मैंने इधर बहुत सारे लिखे हैं और भी आपके टेस्ट बुक में है, जैसे कि रस्सी, हिस्सा, अस्सी बोले ना, जैसे कुत्ता, पत्ता, गत्ता, अम्मा, सम्मान, चम्मच। देखो कुत्ता का मतलब क्या है, डॉग, पत्ता, लीफ, गत्ता, कार्डबोर्ड, अम्मा, मदर, सम्मान, हॉनर, चम्मच, स्पून। और नेक्स्ट पेज में देखो ब के द्वित्व व्यंजन से क्या हुआ, गुब्बारा, गुब्बारा यानी बलून, डिब्बा, बॉक्स, मुरब्बा, मुरब्बा बोलते हैं ना उसे क्या कहते हैं, मरमेल्ड। ये क्या करना चाहिए बच्चों, आप समझ गए ना, इन सारे शब्दों को क्या करना चाहिए, द्वित्व व्यंजन के साथ क्या करना चाहिए, लिखना भी चाहिए और उच्चारण भी करना चाहिए। आप देखिए बच्चों आपको समझ में आया ना, आज के क्लास में हम क्या पढ़े, द्वित्व व्यंजन, सजातीय वर्तक्षर को, कन्नड़ में वर्तक्षर को बोलते हैं, ये ज्यादा टफ नहीं है, ये उच्चारण द्वित्व उतना टफ होगा लेकिन ये सीखने में उतना टफ नहीं है, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसे ही आप और सारे वर्ड को फॉर्मेशन कीजिए, शब्द की रचना कीजिए आपके घर में बैठ के, वो आप जो भी आपके मन में सोचते हैं लेकिन उसको मीनिंग रखना चाहिए, वैसे वर्ड लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे, संयुक्त अक्षर के बारे में जान लेंगे। आज के लेक्चर क्या था, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर। आज हमने क्या पढ़ा, बोली द्वित्व व्यंजन, आज फिर हम अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, इस पेज नंबर 6, 7, 8 में जो द्वित्व के बारे में है ना वो सभी को आप पिक्चर ड्रॉ करके वो शब्द लिखना है आपके क्लास वर्क में। आज तक कितने पढ़े हैं ना उतना ही आपको लिखना है बच्चों।
बच्चों अच्छे से लिखो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।